बोल आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और ये 2022 का मेरा लास्ट ब्लॉग है। इस ब्लॉग में दोस्तों आपको पता है सर्दियाँ बढ़ चुकी है और अभी तो मैं दुकान पे भी जाने वाला हूँ। और 2022 में आज 31 दिसंबर है और आज के दिन मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ और इसको डालूँगा कल सुबह मॉर्निंग में 7 बजे। फिक्स 7 AM पे ये वीडियो अपलोड हो जाएगा और आप सभी देखना इस ब्लॉग में क्या क्या चीज़ दिखाता हूँ आज आज के ब्लॉग में। अभी तो मैं बाइक से जाने वाला हूँ दुकान पे, इसके बाद जाऊँगा दोस्तों मैं बैंक, क्योंकि हमारा यूट्यूब का पेमेंट अटका रहा है। और इसके बाद जाऊँगा मैं PG कॉलेज। काफ़ी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ आज के ब्लॉग में, तो ब्लॉग का पूरा कंटिन्यू देखें और इन्जॉय करें लाइफ में। और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, ढेर सारी शुभकामनाएं नई साल की, खुशियां बरसाते रहो और आप सभी खुश रहो यार। जो भी 2022 में पुरानी यादें थी उनको भूलकर नई साल की शुरुआत करनी है हमें, आगे बढ़ना है, पीछे की बातों पर ध्यान देना नहीं है। तो स्टार्ट करते आज फिर से ब्लॉगिंग में और इन्जॉय करें लाइफ में। बढ़िया ढंग से ब्लॉग को देखे, पूरा ब्लॉग देखे, तभी आप सभी को मेरी लाइफ समझ में आ सकती है और किस प्रकार से हंसते खेलते ब्लॉग शूट करते सब चीज़ दिखाऊंगा। अब चलते हैं दोस्तों दुकान पर बाइक से। तो गाइस मैं बैंक आया हूँ मेरे खाते को पैन कार्ड से लिंक कराने के लिए, और अभी मैंने कही भाई लिंक कर दे, तो मैंने कही कि मेरा पेमेंट अटका पड़ा यूट्यूब से, तो उन्होंने चेक किया मेरा पेमेंट आ चुका है दोस्तों। और कितना आया इसकी ब्लॉग अलग से बनाऊँगा, आज के ब्लॉग में दिखाता हूँ। और अभी मैं पहले मेरा पेमेंट निकलवा लेता हूँ, फिर दिखाएँगे आपको रोकड़ा, क्योंकि अब के जो पहले पेमेंट आया उससे ज़्यादा आया। बैंक का काम तो मेरा हो चुका है और मैंने मेरा पैन कार्ड भी दे दिया लिंक करने के लिए, पैन कार्ड और जीमेल आई डी वो लिंक कर देंगे। अभी चलता हूँ मैं कॉलेज, क्योंकि मेरी BA की फाइनल की मार्कशीट और लेके आनी है, तो चलते BA की मार्कशीट लेने। और पेमेंट आ चुका, तो यार कितने दिन से परेशान हूँ, 21 तारीख का 30 तारीख को आके पहुँचा पेमेंट। तो अभी चलते पेमेंट की वीडियो अलग से बनाएंगे आप सभी को, अब रोकड़ा दिखाएंगे आप सभी को कितना पेमेंट आया है अपना। अब कुछ तो होना ही है दोस्तों, कुछ तो हो ही गया, पेमेंट आ चुका है। अभी पहले एक बार घुमा जाते, उसके बाद निकलवा के ले चलेंगे आज पेमेंट को। फाइनली आप पहुँचाऊँ देख लो PG कॉलेज, आपको दिखाऊँगा तो PG कॉलेज में आ चुका हूँ। और अब लेते हैं मार्कशीट अपनी और देखते हैं मार्कशीट देते नहीं देते, क्या हाल होता है, मतलब दे रहे नहीं दे रहे। आज सैटरडे हो रहा है महीने और साल का अंतिम दिन है, तो चलते एक बार देखते क्या बात होती है। ये है PG कॉलेज, राज्य के स्नातकोत्तर महाविद्यालय। यूनिवर्सिटी वैसे है नहीं है, भीड़ कुछ दिख नहीं रही, कुछ देते मार्कशीट तो कोई हो तो दे सकता, नहीं तो कौन देगा यार। तो गाइस फाइनली अपना काम हो चुका है और अपने को मिल चुकी है मार्कशीट अपनी। ये मार्कशीट है अपनी BA की, BA फाइनल कंप्लीट हो चुकी है, तो BA फाइनल की मार्कशीट मिल चुकी है। आज तो सब काम अपने कंप्लीट हो रहे हैं, महीने पता नहीं साल का अंतिम दिन है फिर भी सब काम कंप्लीट हो रहे। और अब जाने वाला हूँ दोस्तों मैं दुकान पर, उसके बाद जो भी मार्केट का काम होगा वो मार्केट का काम करेंगे, क्योंकि मैंने सोचा पहले बैंक का और मार्कशीट का काम कर लेते, क्या पता कितना टाइम लग गया। आज तो फटाफट हो गए, क्योंकि यहाँ पर भी वैसे तो कोई ऑफिस में था नहीं, पर ऑफिस से अंदर कोई दूसरा आदमी था उसने भी अपना काम कर दिया है। उधर बैंक में गए तो बैंक में अपने पैसे आ चुके और पैन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर दिया, दोनों चीज़ सब काम कंप्लीट हो चुके। अब चलता हूँ रिको इंडस्ट्री, जहाँ एक पेड़ है वो पेड़ आपको दिखाने वाला हूँ उस पर क्या चीज़ है। और बहुत नब्बे नब्बे कैमरे पे भी टाइम पास है, मिस हो जाता है, गलत डिसीजन हो जाता है, लेकिन कोई भी गलत नहीं खिलाता, इसलिए ध्यान रखें फाउल को जो है फाइव को पकड़ा और अच्छे मैच खेले। प्रेम और सद्भाव से को बढ़ाने के उद्देश्य से ये प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है और आप सब उसी तरह से आनंद लीजिए। और अब मैच आरंभ होता हुआ रिको किंग वर्सेस जी स्टार्ट कराते हुए, कोई ट्रायल बॉल नहीं है और गेम चालू है। बैट
और चार्ज करो है सर्विस फ्लावर स्टार्ट अपने टीम के लिए एक बार फिर चेंज हुआ है पकड़ने में गया चीज आपको दिखाने के रहा था रिकॉन इंडस्ट्री स्टेडियम देखो मैं रिकॉन इंडस्ट्री स्टेडियम पहुंच चुका हूं इधर से देखो लाइट ज़्यादा हो रही थोड़ी सी और इधर से सही दिखेगा इधर से देख सकते हैं रिकॉन इंडस्ट्री स्टेडियम और जो चीज़ मैं आपको दिखाने के रहा था वो इस पेड पे क्योंकि जब हमने ITI स्टार्ट की थी मैंने मतलब तो उस टाइम मैंने इस पेड पर नाम लिखा था मेरा तो आप सभी को यहाँ पर देख सकता है उभर रहा है SU क्या लिख दी कोई ना DAMA सुदामा इस टाइम मैंने दोस्तों कुछ प्रकार से इस पेड़ पे नीम के मतलब किसका पेड़ है इस पे नाम छापा था और आज वो नाम उभर चुका है और काफ़ी मस्त लग रहा है और काफ़ी अच्छा पेड़ है ये दोस्तों। जब भी हम कॉलेज आया करते थे तब इस पेड़ के यहाँ पर 5 या 10 मिनट डटा करते थे काफ़ी अच्छा लगता था और इस पेड़ से तो काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई है पर अब कोई नहीं अभी चलते दोस्तों दुकान पर और जो भी चीज़ होगा वो शाम तक आपको दिखाएंगे। पेमेंट की वीडियो कल आएगी तो उसको ज़रूर देखना फैमिली का रिएक्शन कैसा रहता है पेमेंट में क्योंकि वो बनाएंगे सेकंड पेमेंट फैमिली रिएक्शन वीडियो तो उसको देखना ज़रूर। अभी चलते दुकान पर सो गाइस आप पहुँचाऊँ दुकान पर और मार्केट का काम कराया मैं मार्केट का काम करने के बाद अभी दुकान पे फाइनली आ पहुँचा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम लग गई है सुबह का आया था अब बज चुके हैं 4 और अभी तो मुझे जाना हो रहा है घर पे देखेंगे आज क्योंकि आज छुट्टी थी कोचिंग गया नहीं मैं और अब दिखाते हैं आपको और कुछ जो भी होता है शाम तक सब चीज़ दिखाएंगे ब्लॉग का पूरा कंटिन्यू देखे इंजॉय करें ब्लॉग में क्योंकि अलग अलग चीज़ आपको दिखा रहे कहाँ पर क्या। अभी मार्केट गया था तो मैं मार्केट से कुछ बैग लेके आया हूँ और काफ़ी सारे बैग तो है ये कुछ ऐसे बैग जो नहीं मिलते हमारे दुकान पर वो बैग भी लेके आया हूँ अभी जाऊंगा घर पे वो आपको दिखाऊंगा रास्ते में जो भी चीज़ मिलेगी शाम तक कंप्लीट देखे ब्लॉग मैं आ चुका हूँ अब घर पर और ये ज्योति है दोस्तों जुड़वा बहनों की छोटी बहन और ये निशा है जो पानी पूरी खा रही है हम लाए पानी पूरी तो पता नहीं है कैसे आज मेरे पास आ रही है नहीं तो आती नहीं है पानी पूरी खा रही है इसका पानी आऊँगा अगर रिएक्शन देखना